फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन फैशन में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैं प्लेटेड वाली जो कुर्ती बना रही हूँ उसके अंदर मैंने लाइनिंग लगा ली है। ये देखिए, स्लीव्स हैं और ये हमारे दोनों फ्रंट और बैक का है। ये हमारा बैक का है और ये हमारा फ्रंट का पीस है। सभी में लाइनिंग लगा ली है। तो चलिए, अब हम इसका नेक बनाएंगे। तो पहले मैं फ्रंट का नेक बनाऊंगी फ्रेंड्स, उसके बाद में बैक का बनाऊंगी। फ्रंट का नेक में ये टाइप बनाऊंगी, पान नेक जो है। फ्रेंड्स, स्क्वायर कपड़ा ले लेंगे और उसको हम कट कर लेंगे। और अब हम इसके ऊपर में नेक को अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लग गया है हमारा नेक। अब हम हाफ इंच के करीब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, कैनवास से एक्स्ट्रा को। ला लेंगे और सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। कैनवास के किनारे किनारे एकदम किनारे सिलाई लगानी है। इस टाइप से फोल्ड करेंगे, थोड़ा मैचिंग करते हुए इसमें पाइपिंग लगाएंगे फ्रेंड्स। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमें उल्टा रखना है नेक को और पट्टी को नीचे रखना है और लगाना स्टार्ट करना है। पट्टी हमारी सीधी होनी चाहिए और ये नेक हमारा उल्टा होना चाहिए। एकदम किनारे किनारे लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर हमारी नोक है वहाँ हम सुई को खड़ा करेंगे और फिर उसके बाद में हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए, घुमा करके नहीं करना है, नहीं तो हमारी जो नोक है वो अच्छे से नहीं बनेगी। छोटे छोटे टिप्स को ध्यान में रखते हुए नेक को बनाना है फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट कर देंगे फोल्ड करते हुए, क्योंकि तभी हमारी फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग लगेगी। ये हमारी पाइपिंग लग के रेडी हो गई है। इस टाइप से पाइपिंग लगी है फ्रेंड्स। और बैक साइड से भी देखिए बहुत अच्छे से। अब जो ये देखिए सेंटर में, बाकी इसमें आप छोड़ भी सकते हैं और अगर हाथ सिलाई करना चाहें तो हाथ सिलाई भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम राउंड नेक को बनाएंगे। बैक साइड का है तो उसके भी हम सेंटर में सिलाई करेंगे।
एक सिलाई और लगाएंगे। दोनों पीस के धागे हम इस तरफ से भी ले लेंगे इसी टाइप से। इसमें हम थोड़ा प्लेटें नहीं डाल करके फ्रेंड्स और प्रिंस कट का लुक देंगे। ये देखिए, तो उसके लिए हमें ये देखिए फ्रेंड्स, इधर से हम इसी टाइप से लेंगे और इधर हम जिस टाइप से हमने गुलाई की है उसी टाइप से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इस टाइप से हमारी ये दोनों साइड की हो गई है फ्रेंड्स। ये देखिए, हम इसी टाइप से बैक साइड की भी डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको चोली के घेरे के बराबर कर लेंगे और जो हमारी लाइनिंग है उसको भी इसी के बिल्कुल बराबर रखना है। ये और इसको हम ऐसे, ये देखिए, और जिस सिलाई पे हमारी ये सिलाई आई है ऐसे ही एक सिलाई लगानी है। ये देखिए, सेम धागा लगा, हाफ इंची या वन इंची, मैंने वन इंची के करीब छोड़ दिया है। छोड़ते हुए ये देखिए बिल्कुल टॉप टिप पे सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ। देखिए, दोनों पीस रेडी हो गए हैं। ये मेरा फ्रंट का है और ये मेरा बैक का पीस है। अब हम दोनों के शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए, अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे जैसे नॉर्मल स्लीव्स अटैच करते हैं उसी टाइप से करना है। ये देखिए, दूसरी सिलाई भी लग गई है। ये हमारी इस टाइप से स्लीव्स अटैच हो गई है। इसी टाइप से हम दूसरी वाली स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स हमारी दोनों साइड की अटैच हो गई हैं। अब हम साइड की फिटिंग करेंगे। जैसे 10 है तो 10 का हम 5 ले लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दोनों साइड सिलाइयाँ लग गई हैं। हमें सिलाई लगा लेंगे, ये एक से लगा लेनी है। ये देखिए फोल्ड करना है। ये देखिए अब हम बैक साइड का भी इसी टाइप से सिल लेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लास्ट वीडियो में प्लेटेड वाली जो कुर्ती कटिंग की थी, ये देखिए फ्रिल लगी हुई है और साड़ी में से ही है फ्रेंड। तो ये आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा।